घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ते हैं, ये सुना तो था लेकिन आज देख भी लेंगे। YouTube पे एक चैनल है अली हैदराबादी ऑफिशियल। आप लोगों के जहन में ये सवाल तो आता ही होगा कि इसकी इस चाल से भी बुरा क्या हो सकता है, तो उसका जवाब है कि ये चैनल गजब डुबीवाज आदमी। सबसे पहले ये चैनल की डिस्क्रिप्शन, अली खान हैदराबादी इज अ यंग कैरिस्मेटिक एंड डाउन टू अर्थ टिकटॉकर एंड एंटरटेनर। डाउन टू अर्थ टिकटॉकर हम देख ही चुके हैं ये कितना काली लड़की। और रही बात एंटरटेनर की, तो मुझे ये बताओ कि कौन सा बंदा ये ऐसी वीडियोस देख के एंटरटेन होता है। जाके इलाज करो अपना। He is famous because of his unique walking style। हाँ तो अपना यही वॉकिंग स्टाइल लेके टिकटॉक पे बनाते रहो स्लोमो, आखिर जरूरत ही क्या है यहाँ आके गंद फैलाने की। जी। लेकिन एक बात तो है, इस बार चैनल बनवाने में खर्चा तो हुआ है, और बनवाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबको पता ही है कि अली भाई थोड़े से, चलो थोड़े से नहीं, काफी जाहिल है। तो ये वीडियो एडिटिंग और ये इंग्लिश वगैरह ये चीजें अली भाई से थोड़ा सा आगे निकल गई है। कुछ लोगों से आगे निकल गया हूँ। हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल चाल है। हाँ जी, तो फिर रेडियो फेस रिवील के लिए, फेस रिवील की वीडियो की 70% बन गई है, बस थोड़ी सी रहती है, कुछ अलग ट्राई किया यार, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं लिख के देता हूँ जी। तो बस फिर संडे शाम 6 बजे फेस रिवील की वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो रेडी रहना फिर। दिल गार्डन गार्डन हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप जानते हैं अली हैदराबादी हैदराबादी अब हैदराबादी हो गया। पहले हैदराबाद को हैदराबाद कहते थे, अब वो भी नहीं कहते, अब हैदराबाद कहने लग गए हैं। सही बात है, ये भी इवोल्व कर रहे हैं लेकिन पीछे की तरफ। सही गल की थी। आपको पता है आजकल कितनी तेज सर्दी चल रही है, और अली हैदराबादी घूमता हुआ जा रहा है गाड़ी में अकेला आवार गद्दी करने। कैसा मजा आ रहा? नहीं आ रहा। नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे तरस आ रहा है उस कैमरामैन पे जो आपके साथ मौजूद है, फिर भी आप कह रहे हो मैं अकेला हूँ। ओ हाँ, याद आया, अली हैदराबादी के बारे में बात कर रहे हैं। अली भाई, कैमरामैन का मतलब ये होता है वो बंदा जिसने कैमरा उठाया हुआ और वो आपकी क्लिप बना रहा हो। अब आएगी हमारे अली भाई को समझ। गजब बेइज्जती है। अली हैदराबादी घूमता हुआ जा रहा है गाड़ी में अकेला आवार गद्दी करने। 4 बजने रात के, पता है आपको, सड़कों पे घूम रहा हूँ अकेला, और रात को लाहौर की सड़कें आवार गद्दी करता करता। कोई बंदा इसको ये समझा दे कि रात को 4 बजे बाहर निकलना कोई अचीवमेंट की बात नहीं है, रात को 4 बजे तो बाहर कुत्ते भी फिर रहे होते हैं, तो इसका मतलब तो वो कुत्ते रोजाना ही कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं, उनको इनाम देना चाहिए फिर हमें। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। ऐसे इंट्रो के पीछे से ऐसी चीज निकले तो फिर मैं ये क्यों ना कहूँ कि ये तो टट्टी है। कर लो, यही खेल खेल लो, मासूम कौन है, चलाक कौन है, पहले ये डिसाइड कर लो वीडियो का क्या है, वो तो बाद में भी बन जाएगी। क्या लगती है आपकी, बस ये जब से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किए लोग सारे कमेंट्स हिंदी यही आते हैं। क्या लगते हो भाई, जस्ट फ्रेंड। अच्छा, उसको भी समझ नहीं आई कि इसने ये आखिर कहा क्या है। खैर, ये फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड वाले सीन तो आपको पता ही है कि टिकटॉक पे कितने आम हो चुके हैं। जी, बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, इनका मैं क्या करूं। तो आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे, जिन्नी तेरी कहा थे उठे रहा। आए हाय, कितने क्यूट फ्रेंड्स हैं ना ये, खुद ऐसी हरकतें करेंगे और फिर कहेंगे जी के लोग हमसे जलते हैं। ये फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड वाली हरकत मुझे कोई खास समझ आती नहीं है, वैसे ही कह दो कि बगैर लाइसेंस के ड्राइवरी करनी है। लेकिन यूं फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड कह के इस चीज को प्रमोट करना, ये तो गलत है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, इस चीज को भी छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि इस बंदे को देख के क्या आपको ये लगता है कि इसको फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड का फर्क पता होगा। बहुत चंगा ना मैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अलशा को डॉगीज बहुत पसंद है। हाँ अली भाई, तभी तो वो आपकी बेस्ट फ्रेंड बनी फिर रही है। म्यूजिक। तो ये है डॉगी अलशा का। वाह जी वाह, आज तो भाई भाई साथ में है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इसने खुद कहा है। नहीं करते मेरा भाई। जब अली पहले हैंडसम को लेके आए ना, तो इन्होंने ना मुझे ऐसे डरा दिया हैंडसम से, मैं अचानक ये लेके आए तो मैं डर गई, लेकिन मुझे प्यार से देते तो मैं उसके साथ फ्रेंडशिप करती पहले। इधर आखिर चल क्या रहा है, कभी कुत्तों से दोस्ती की जा रही है और कभी। ओ हाँ, याद आया गजब डुबीवाज आदमी। अच्छा खैर यार, बस यही था आज के लिए, मुझे पता है कि आप लोग यही कह रहे होगे कि शुरू होते ही खत्म हुए, लेकिन ये वीडियो बस एक अनाउंसमेंट वीडियो थी कि फेस रिवील आ रहा है, तो मैंने कहा चलो साथ ही किसी सस्ते से टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं, और इनसे सस्ता कौन है फिर। पता है, हरामी हो बेटा।
अब जबकि मैं फेस रिवील वाली वीडियो की डेट भी दे चुका हूँ, तो फिर ये 10K वाली बात भी पूरी करवा दो। तो बस ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ आ जाओ और यहाँ आके तबाहियां डाल दो। मस्त प्लान है। और बस फिर यही खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो यार। और बेल आइकन बहुत जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों के बेल आइकन ऑन करने के बाद जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो आप लोग फौरन उस वीडियो पे आके ये फर्स्ट वाला कमेंट कर सकते हो जी। और बस अगर वीडियो देख के जिंदगी में सुकून आया ना, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सुकून लेने का हक हर बंदे का। तो बस चलता मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्यार वाली बातें तो सब करके, मर बेटे तुझे तलब करके, आई वाना से तेरे नाल सुनिए, तेरे नाल नाल नी, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, ओ मैंने कहंदी ना 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 ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, ओ मैंने कहंदी ना 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 ना, दुनिया से खुद को अलग करके।